नमस्कार दोस्तों, मोज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी जो है पपीते से बनता है और वो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा होता है। हम बाहर में बनाएंगे जो टूटी फ्रूटी, उसका टेस्ट अलग रहता है और कुछ भी नहीं लगता उसमें, बहुत कम सामान में और बहुत अच्छी चीज बन जाती है और स्वास्थ्यवर्धक बनती है। देखिए हम उसमें क्या क्या सामान लेंगे। वो ये पपीता है, हरा कच्चा पपीता रहेगा। ये है हमारा 500 ग्राम। उसमें हम करीब 300 ग्राम शुगर डालेंगे। 300 ग्राम शुगर डालेंगे तो जितना हम शक्कर डालेंगे, कप से नाम के एक कप, तो 1.5 कप हम पानी डालेंगे और पानी को शुगर सिरप बना लेंगे। और फिर इसको बारीक बारीक काट के हम उसमें बॉइल करेंगे और एक बार उबाल के स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके फिर हम इसको चाशनी में डाल के उबालेंगे। देखिए अब मैं, और लगेगा उसमें कलर, लगेगा वेनिला एसेंस, लगेगा ग्रीन कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर और एक वेनिला एसेंस है, इतना सामान लगेगा। अब हम आपको काट के बना के दिखाते हैं। हम इसको अब ऐसे काट लेंगे दोनों तरफ से, ठीक, और फिर इसका छिलका हम उतार लेंगे और उसके बाद हम बारीक बारीक इसको काटेंगे। एकदम हम बारीक बारीक इसके पीसेस कर लेंगे। दोस्तों अब मैं इसको पानी इतना रख दी हूँ, आधी गंजी, जिसमें मेरा ये पपीता पूरा एक एक बॉयल्ड उबालूंगी उसको, केवल एक उबाल आने तक उसको मैं उबालूंगी, फिर छन्नी में छान के और फिर मैं चाशनी में इसको उबालूंगी। देखिए दोस्तों उबल गया है। अब मैं इसको डाल के केवल एक हाफ पकाऊंगी, फिर छन्नी में छान लूंगी और चाशनी बना के उसे पकाऊंगी। स्ट्रेनर में हम इसको 3 से 4 मिनट हमने इसको उबाला है, स्ट्रेनर में हम रख देंगे और अब हम इसको ढक देते हैं। ये भाप से थोड़ा सा पक जाए। ये बनाएंगे हम पौन कटोरी है शक्कर, इसको हम डालेंगे और 2 कटोरी हम पानी डालेंगे, पौन पौन 2। देखिए ये हम पौन पौन 2 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। तो केवल सिरप बनाना है हमें, शुगर को घुलते तक, केवल घुलते तक हम इसको वो करेंगे। पर तो हमें केवल सिरप बनाना है, फिर हम उसमें इसको डालेंगे तो ये पक जाएगा, और भी पक जाएगा। इसको हम ऐसे इसमें थोड़ी देर ढके ही रहने देंगे तो हमारा ये और पक जाएगा। ये मेरी पूरी शुगर घुल गई है, चूंकि शुगर साफ था तो इसमें कचरा नहीं आया। अब हम इसको स्ट्रेनर से इसमें डालेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये 2 तार की चाशनी जैसे न बन जाए। अब इसको हम इसी सिरप में पकाएंगे। सिरप में ही हम 2 बूंद वेनिला एसेंस डालेंगे। सिरप में ही हम इसको डाल दिए ताकि ये पूरे में पक जाए। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें 1 तार की चाशनी, थोड़ा सा ठंडा होगा तो बनने लगे। 1 तार की चाशनी बनना शुरू हो गई है, अब हम इसको बंद कर देंगे। गैस को बंद करके इसको उतार लेंगे और इसमें अब हम कलर मिला के इसमें हम बराबर मात्रा में डालेंगे। देखिए चला देंगे ये पूरा कलर, कल तक इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कितना सुंदर कलर आ गया। अब इसको हम करीब 12 से 15 घंटे 16 घंटे इसी में भीगने देंगे, फिर उसके बाद हम कल इसको शाम को निकाल के स्ट्रेनर में डाल के एक जाली में सुखा देंगे। जाली तो सभी के घर रहती है, उसी जाली में डाल के इसको सुखा देंगे। तो बनाया था कल, हमने इसको सुखा दिया स्ट्रेनर में ऐसी। ये जाली है, ये नीचे भी हवा लगेगा और ऊपर एक थाली के ऊपर इसको हमने ऐसे रख के इसको ऐसे सुखा दिया और बहुत अच्छा बन गया है। देखिए दोस्तों मेरी बहुत अच्छी टूटी फ्रूटी बन के तैयार हो गई है, कतरी भी इसको कहा जाता है जी। कोई भी चीज आप बनाइए, केक बनाइए, कोई भी चीज बनाइए, उसमें आप इसको डाल, बिस्किट बनाइए, नान खटाई बनाइए, उसमें अपने घर की बनी चीज डालिए तो उसका कुछ स्वाद ही और रहता है। अब आप बनाइए, खाइए
और मून्स किचन में सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।